सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। इसराइल और फलस्तीन के बीच मौजूद डेड सी सूखने की कगार पर पहुंच रहा है। एनवायरनमेंटलिस्ट ग्रुप इकोपीस मिडल ईस्ट के मुताबिक ये हर साल करीब 3.3 फीट सूख रहा है। जर्मन फोटोग्राफर मोरिट्ज कुश्नर भी अपनी फोटो स्टोरी द डाइंग डीप सी पूरी करने के लिए इसराइल और जॉर्डन की सीमा पर मौजूद डेड सी मृत सागर पहुंचे थे। उन्होंने भी यहां का ऐसा ही हाल बताया। दुनिया का यह अनोखा सागर है जो धरती के सबसे निचले स्तर यानी समुद्र तल से 1388 फीट नीचे है। मृत सागर में पानी का के जरिया आसपास के नेचुरल तालाब और जॉर्डन नदी है। मोरिट्ज ने बताया कि ये सागर तेजी से सिकुड़ रहा है और इसे अभी संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन पूरा सागर गायब हो जाएगा। 1960 के दशक के बाद से जलाशयों के पानी का रास्ता बदल दिया गया और नदी में भी पाइपलाइन डाल दी गई। इसके जरिए पानी इसराइल पहुंचने लगा। इस तरह डेड सी के लिए पानी का सोर्स लगभग खत्म हो चुका है। पानी का भंडार कम होने का एक बड़ा कारण मिनरल इंडस्ट्री भी है जो उस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय है। ये इंडस्ट्री डेड सी के पानी का इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। मृत सागर कई मायनों में बहुत अहम है। दुनिया भर की टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। इतना ही नहीं उसके पानी में भी नहाने हैं क्योंकि उसका पानी और मिट्टी स्किन के लिए फायदेमंद है। एक साल पहले इसराइल और जॉर्डन ने इसे बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट साइन किया है। उसके प्रोजेक्ट के जरिए रेड सी लाल सागर से डेड सी तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं अन्य पाइपलाइन इसराइल और जॉर्डन तक पहुंचाई जाएगी ताकि उन्हें भी पानी मिलता रहे।